Hello, how are you, friends? Hope you all fine. Say hello. I am with my daughter in kitchen now. It's the morning time here. And I gotta eat French toast today. जब से हम लोग आइसोलेशन में, मेरी बेटी का सिर्फ एक ही नाश्ता है. मारी, आज नाश्ते में आप क्या खाएंगी? इनका यही सवाल है, जवाब है. अच्छा, तो आज जो है हम लोग आपको फ्रेंच टोस्ट, इजी पीजी रहे फ्रेंच टोस्ट बनाना सिखाते हैं. मैं अपनी बेटी के साथ आज फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ इनका, ठीक है. इसके लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले एग लेंगे. और जो है मम्मी कर दे नो क्या एक, पहले आप जो है इसको ब्रेक कर लें और देख लें अगर इसमें कुछ आ गया है तो उसको शेल की हेल्प से निकाल लें. ये देखिए, निकाल लिया. शेल को आप फेंके नहीं, क्योंकि एग शेल में जो है, एग शेल को आप ऐसा करें अपने प्लांट में या अपने क्यारी में डाल सकते हैं, क्योंकि एग शेल एक बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइजर बन जाता है. इसलिए आप एग शेल को फेंके नहीं, अपनी क्यारी में या अपने पॉट में जिसमें आपने प्लांट लगाया हुआ उसके अंदर डाल सकते हैं. अच्छा जी, इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे भाई? वनीला. हम डाल रहे हैं हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून इसमें वनीला. ये हाफ टी स्पून है, ठीक है. हाफ टी स्पून हमने डाला वनीला. यस, शुगर. देन वी ऐड शुगर. इट्स ए हाफ टेबल स्पून. हाफ टेबल स्पून शुगर. आप थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं, जैसा आपको चाहिए लगे आप उतना डालें. और जो है, अच्छा, शुगर डाल दिया, वनीला डाल दिया. और जो है अब इसके बाद मिल्क लेंगे हम, इसकी सॉफ्टनेस के लिए और इसलिए कि अंडे में अंडा जो है अच्छा सा सोक हो जाए. ये हाफ वाला है मेरा, एक हाफ टेबल स्पून वाला है, मुझे वन वाला भी मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं उसको कर लूँगी वन टेबल स्पून मिल्क, ठीक है. So you can make it even crunchy. फॉक लें और इतने में आप साथ साथ अपना, एक मिनट, चूल्हा जो है, स्टोव जो है ऑन कर दें. सही, ये हो गया. अच्छा सा फेंटें ताकि सब मिक्स अप हो जाए. यस, वेरी गुड. ये हो गया है. अब जो है आप ब्रेड लें. ले लीजिए, आप डालिए ब्रेड, इसमें आराम से डिप करें. इस तरह से आपको ब्रेड डिप करनी है. हाँ, ये देखें, ये जो है 10 to 15 days से ये यही सुबह खा रही है. इसने इनको सब पता है कि क्या करना है, कहाँ कितने होल मारने हैं. ये देखें किनारों पे, क्योंकि किनारे जो होते हैं मोटे होते हैं. अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो किनारे में जो है एजेस में उसका सोक नहीं होगा एग, और फिर जब आप खाएंगे तो एजेस ही आपके इसके जो है हार्ड आपको लगेंगे. इसे आप सॉफ्ट तरीके से, बहुत जोर से नहीं मारना, नहीं तो ब्रेड टूट जाएगी, क्योंकि नीचे से सोकनेस उसके ऊपर आ रही है. इसे आप बहुत जोर से ना मारें, आराम आराम से, ठीक है. ऐसे ऐसे हल्का सा बीजी, बहुत सॉफ्ट हाथ से करना है, ठीक है. अभी देखिएगा आप यहाँ पे, ये मगर पूरी रख लें तो वन मिनट तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बच्चे सर पे खड़े हैं. और जो है इस तरीके से देखें आप, सुसाइड पे भी ऐसे करें. पैन, एक मिनट, पैन, ये देखिए आप इसमें ये अनसॉल्टेड बटर लें, इस तरह से काट के रख लें. गरम था इसलिए मैंने अभी स्टोव से उठाया. मैंने अभी इधर ये करें और इसके साथ साथ जब आपने बटर लगा दिया इसमें, तो आप डालें इसमें थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि आपका बटर जले नहीं तो आपका बटर जो है एकदम से जल जाएगा और ब्रेड आपकी सिकेगी नहीं, उससे पहले काली हो जाएगी. सही है, बटर डालें उसके अंदर, अनसॉल्टेड बटर इस तरह से लगाएं और ऑयल थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें. देखिए इस तरह से, जितना आपका ब्रेड का साइज है ना उतने हिस्से में करें, पूरे में फैलाने की जरूरत नहीं है बिला वजह में गंदगी होती है. बीच में आप डालें और जो है इस तरह से, देखिए आपने कर लिया, ये मेरा गर्म हो रहा है. देखिए आप इसमें ऑयल और बटर जो हल्के सा सिजल कर रहा है. और यहाँ देखिए मेरी ब्रेड जो है ये पूरा सोक हो गया है. ये देखें, अब आप इसको स्पून की मदद से उठाएगा, फॉक की मदद से नहीं उठाएगा, वरना ब्रेड टूट जाएगी आपकी. ये देखें, ये आपने उठाया, देखें आप ये जो, अब ये देखें एक दो ड्रॉप जो बचे हैं वो आप ब्रेड में, अब मैं जल्दी से इसको डाल दूं इधर.
वेरी गुड, ये देखिए आ गया। और ऐसे सारा डालो। हाँ आप डालिए, डालिए, वेरी गुड। कुछ भी ना बचे आपकी प्लेट में, ठीक है? डाला आपने, हो गया, वेरी गुड, परफेक्ट। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए ये, अभी इसको इस वक्त आपको इस एज पे आप इसको बिल्कुल भी टच ना करें, थोड़ी देर होने दें इसको। जी बेटा, nearly brown again, yes, brown हो रहा है। बाबा अच्छे बटर ऐसे इसको लगा लें आप। और ये देखें कितना प्यारा इसका जो है ये कलर आया है। लगे अगर आपको कि मैंने बटर कम लगाया है, सॉरी मैं जर्मन में बार बार बोले जा रही हूँ बटर, आप लोग सोच रहे होंगे क्या क्यों बोल रही हूँ इस तरह से गलत। और जो है बटर जो है आप यूँ लगा दें, और अगर आपको कम लगे तो जो है आप ऐसे उठा के दोबारा से लगा सकते हैं, ठीक है? और ये देखें, ये अब इसको आप में, ये देखें आपका कितना जबरदस्त जो है ये रेडी हो गया है। आप कटन एंड पीसेस, यस, ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। मैं आपको करीब से दिखाऊंगी, आप कोई भी शेप कितना हसीन लग रहा है, खूबसूरत टेस्टी लग रहा है, भूख और ज्यादा हो जाएगी। ओके नाउ क्या करना है आपको? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो आपको क्या करना है? लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है हमारी वीडियो और आगे शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, क्योंकि हम इसी तरह से यूनिक वीडियोस लाते रहेंगे। यूनिक वीडियोस होंगी, अलग डिफरेंट होंगी, और जो है इससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आगे पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।